अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस्तकबाल सैयद समीरा रेसिपी चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोतमीर और काली मिरी का सूखा गोश्त बनाना का तरीका। तो इसके लिए हमने ले लिया है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। साथ में इसमें हम डालेंगे खूब सी कोतमीर जो मैंने साइड में धो के रख दी है। इस सबको हम जो है ग्राइंड कर लेंगे। और गरम मसाला तो मेरा पीसा हुआ है, इसमें हम काली मिरी भी डालेंगे पीसने के लिए, क्योंकि ये कोतमीर और काली मिरी का सूखा गोश्त बन रहा है। तो गाइस, मैंने गोश्त अच्छे से धो दिए है इसमें, और इसमें 5 स्लाइस करके प्याज भी डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, हमने घर में ही पीसा हुआ है, तो मैं होममेड गरम मसाला डालूँगी इसमें। आप गौर से देखते रहना। इसके बाद इसमें जाएगी आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी हम डालेंगे इसमें। सब गौर से आप लोग देखना, सेम टू सेम ऐसे ही करना। इसके बाद नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं फिर और ज़्यादा डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त ऑलरेडी उसके अंदर तेल छोड़ेगा, इसके लिए तेल नहीं ज़्यादा डाल रही हूँ। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे इसके अंदर, खाना का कुकिंग ऑयल यानी खाने वाला तेल डालेंगे। इसके बाद जो हमने मसाला पीसा था, काली मिरी, कोतमीर, अदरक, लहसुन, वो सब हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह पूरा मिक्स कर लेंगे हम। इसे अच्छे से मिला लेंगे पूरा, ऊपर से गोश्त के अंदर पूरा कांदा, ये मसाला, जिस गरम मसाला, हल्दी, नमक और जो हमने ये मसाला पीसा हुआ, ये सारा मसाला हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त में पूरा मसाला अच्छे से लग जाए ऐसा हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे तो डालेंगे, नहीं तो गोश्त खुद ही इतना पानी छोड़ा है। मैंने पानी नहीं डाला था, अगर आप लोगों को पानी लगता है तो आप लोग डालो, मैंने पानी नहीं डाला था। क्योंकि इसको मैं एक विसल लेने के बाद इसको फिर मैं सिलो पे रख दूँगी। सिलो पे 2 से 4 विसल अगर लूँगी तो ये अपने आप गोश्त गल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको चढ़ा देती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टमाटर डालेंगे। अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। तो 3 से 4 टमाटर छोटे छोटे साइज़ के हमने इसमें डाला, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे साइज़ के। अब इसको हम टमाटर को अच्छे से इसमें मिला के सिर्फ इसको ढक के रख देंगे। सिर्फ विसल नहीं लेंगे, सिर्फ गैस भर जाएगी तो उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से भून चुका है पूरा गोश्त। बस टमाटर डाल के टमाटर को नरम करना है। तो गैस टमाटर भी गल चुका है, मसाले ने अच्छे से पूरा मसाला भून चुका है, तरी भी छूट चुकी है, गोश्त भी गल चुका है, पूरा हमारा जो है सालन बनके रेडी हो चुका है। तो गाइस चलते हैं इसे डिश आउट करके आप लोगों को बताती हूँ। और जिसको अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो और आगे आगे जब आप लोग देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं और अलग अलग रेसिपी आप लोगों को मैं बना के बताऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलो आते हैं, हम निकाल के बताते हैं आपको इसको डिश आउट करके कि ये कैसा लगता है। तो गाइस मैंने डिश आउट कर दिया है मेरा सालन, देखना कितना अच्छा लुक आया है इसका, काली मिरी और कोतमीर का सालन। साथ में चपाती भी है, इसके साथ चपाती खाने के लिए मज़ा आ जाएगा। तो आप भी इसी तरह बनाएं जिस तरह मैंने बनाया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।